सब्सक्राइब कीजिए E24 के YouTube चैनल को। हर ताजा वीडियो की अपडेट के लिए दबाना ना भूलिए बेल आइकॉन। हैप्पी बर्थडे बॉय। टीवी के नए नवेले हंक पल्लवी पुरी ने स्वैग के साथ किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट। नागिन 3 की सक्सेस को फुल्ली एंजॉय कर रहे पर्ल के लिए ये था डबल सेलिब्रेशन का मौका, और इस मौके को पूरी आन बान और शान के साथ सेलिब्रेट करने का मौका पर्ल ने हाथ से जाने नहीं दिया। बर्थडे बॉय ने होस्ट की एक ग्रैंड पार्टी, जहां पर्ल को विश करने पहुंचे उनके नियर एंड डियर वंस। यहां यूमी और टीवी ने स्पॉट किया करिश्मा तन्ना, सुरभि ज्योति, जय एंड माही भानुशाली, अनिता हसनंदानी एंड रोहित रेड्डी, आमिर अली, शालीन भनोट, रक्षन दाखान और सोनारिका भदौरिया को। सबसे पहले बात बर्थडे बॉय की, जो अपनी बर्थडे पार्टी के लिए दिखे काफी एक्साइटेड। कमाल का ब्रिंग इन था और कमाल की वाइब है। बेसिकली जब से बर्थडे वाइब आई है, 2-3 दिन से, तब से बर्थडे पार्टी चल रही है। आप लोगों के साथ भी बहुत सारे केक कटिंग्स हो रहे हैं और वैसे भी बहुत सारे केक कटिंग्स हो रहे हैं। बड़ा मजा आता है, एक टाइम होता है साल का जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये मेरा वक्त है। पर्ल का बर्थडे स्पेशल बनाने यहाँ पहुँची उनकी लविंग मम्मा भी, जो स्पेशली अपने लाडले को सरप्राइज देने मुंबई आई थी। मेरी माँ आई है, सबसे बड़ी बात है भगवान खुद आ गए हैं मतलब मेरे बर्थडे पे, और क्या चाहिए लाइफ में। और मेरी भाभी थी वो जो साथ में थी, तो वो दोनों आए हैं। तो फैमिली अगर आ जाती है तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगता है, बिकॉज बींग एक्टर्स आप बहुत दूर रहते हो फैमिली से, मतलब नॉट एवरीबॉडी बट जितने भी लोग मुंबई से बाहर से हैं वो यहाँ पे आके अपने अकेले रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको थोड़ी दिन अगर 1-2 दिन भी मम्मी आ जाती हैं तो वो पुराने बचपन के दिन, घर का खाना सब याद आ जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। पर्ल पर अनकंडीशनल लव लुटाने वाले फैंस के लिए भी पर्ल के पास था एक स्पेशल मैसेज। सारे फैंस को मैं ये बोलना चाहूंगा, आपके बहुत सारे विशेज मेरे तक आए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके बहुत सारे स्केचेस मेरे तक आए, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग कैसे कर लेते हैं यार इतना प्यार, मतलब माँ कसम बहुत 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 आई कांट थैंक यू इनफ। मेरा दिल करता है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के घर आके सबको पर्सनली हक करूँ और थैंक यू बोलूँ, वो मैं नहीं कर पाता। इसलिए बहुत सारे E24 और हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं आप तक पहुँचने में। थैंक यू सो मच E24 एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप हमको थैंक यू बोलने में मदद करते हैं, वो थैंक यू बहुत जरूरी है। स्पेशल गिफ्ट्स या विशेस के बिना हर जन्मदिन अधूरा रहता है। पर्ल के बर्थडे बैश में उन पर हुई छप्पर फाड़ विशेस की बरसात। I think all his wishes have come true. Nagin is killing it. But yeah, we wish him good health, happiness and whatever he wants in life. He is a very good co-star and I would wish him all the best. इसी तरह से rock करते रहें and I am just wishing him all the luck, all the very best. Generally अभी birthday gifts होते नहीं है generally, और birthday parties में मैंने flowers भेज दिए थे उसके घर पे, so और मैं shoot भी कर रही थी तो time नहीं मिला। पर बर्थडे विशेस तो यही है कि आप नागिन कर रहे हो और मैं चाहती हूँ कि आप और बड़े बड़े शोज करो और फिल्म्स करो, आगे जाकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनो। आई थिंक इट्स हिज बेस्ट बर्थडे, ही इज डूइंग ग्रेट करियर वाइज, ऑल्सो ही इज डूइंग द बेस्ट शो ऑन टीवी एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आज तो यू नो इट्स डबल सेलिब्रेशन। उसका वैसे भी नागिन बहुत अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ आज बर्थडे है, सो इट्स गोइंग टू बी डबल सेलिब्रेशन। आई विश हिम लक सक्सेस एंड अ ग्रेट लाइफ। वी विशिंग के पर्ल के जिस शो की TRP 4.5 है वो बहुत जल्दी 9 हो जाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल से इतने साफ होते हैं कि उन्हें खुद को नहीं पता होता, पर्ल उसमें से एक है और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा ऐसी रहे और या आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जहाँ चार यार इकट्ठा हो वहाँ मस्ती और धमाल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुनिए ये सब पार्टी के कितने मूड में थे। बहुत धमाल होने वाली है आज, सारे दोस्त वापस एक साथ मिल जाएंगे। ही इज माय जिम बडी ऑल्सो, हम लोग साथ में वर्कआउट भी करते हैं तो मजा आएगा। आज थोड़ा सा फ्री मूड में आज हम पार्टी करने वाले ने, तो हमेशा जिम में ही हम बहुत डाइट कॉन्शियस और इसके बारे में बातें करते रहते हैं। बहुत एक्साइटेड है, इनफैक्ट यू नो ही इज बीन प्लानिंग हिज बर्थडे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हम भी बहुत एक्साइटेड है टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी। वी आर गोना हैव लॉट्स ऑफ फन। ऑफ लेट वी हैव गॉट क्लोज, अभी काफी टाइम से वी बीन हैंगिंग आउट, तो इज अ वेरी नाइस गाय, बहुत ही जेन्युइन लड़का लगता है, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम। सो बिग बर्थडे बैश इन स्टोर फॉर अस। इट्स लाइक ऐसा लगेगा कि बस अनदर प्लेस एंड द सेम पीपल,
It's going to be very warm and I'm just waiting to go inside. अरे बहुत धमाल होने वाला है. I'm wishing him all the very best. And me and Pearl have been friends for quite some time now. And he's like a brother to me. Wishing him all the very best. करिश्मा तन्ना यहाँ आई थी तो उनसे उनकी फिल्म संजू के बारे में बात करना तो बनता ही था. सुनिए संजू की सक्सेस के बारे में करिश्मा का क्या कहना है. First of all, I'm really happy to be a part of this film, blockbuster film called Sanju. And though mera ek cameo role tha, I'm still very happy kyunki ek noticeable role tha. Bahut sare log ne appreciate kiya hai. Critics jabhi bhi Sanju, Ranveer Kapoor aur Ranveer Kapoor aur विकी कौशल को सराहते थे तो उसमें एंड में मेरा मेंशन भी है. तो मेरा रोल जो था भले दो सीन था नोटिसेबल था. इट वाज नॉट अननोटिस्ड. पर्ल के बर्थडे बैश में अपने हबी रोहित के साथ पहुंची अनीता हसनंदानी. अनीता के लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है. अनीता के दोनों शोज ये है मोहब्बतें और नागिन 3 ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं. अपनी लविंग वाइफ की इस सक्सेस पर रोहित का क्या कहना है ये भी सुनिए. पावरफुल रोल है यू नो. तो ऑफ लेट एक्चुअली तो ये दो दो शो कर रही हैं. तो आई डोंट नो व्हेन शी व्हाट शी ड्रेसेस अप टू गो एंड व्हाट शी कम्स बैक एज. बट वेरी एक्साइटेड बिकॉज दोनों शो अच्छे कर रहे हैं. तो वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम. हाल ही में अनीता के ऊपर सोशल मीडिया पर हो रहे बॉडी शेमिंग हेटर्स को रोहित ने दिया था करारा जवाब और लविंग और सपोर्टिव हस्बैंड होने का दिया था सबूत. इस पर देखिए अनीता का क्या कहना है. Well, I think I'm very lucky that I found Rohit as my husband. He's very, very supportive and thank you, baby. I love you. And not, I'm मुझे फर्क नहीं पड़ता कमेंट्स से. बर्थडे बॉय पर्ल ने स्पेशली मीडिया के साथ भी काटा केक और किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट. मैं बचपन से कॉफी लवर हूँ और आई थिंक जिन्होंने भी ये केक बनवाया है मेरे फ्रेंड्स ने ही बनवाया है सबको. जाते जाते आपको दिखाते हैं पार्टी का इनसाइड वीडियो जिसमें पर्ल फ्रेंड्स के साथ काट रहे हैं स्पेशली कस्टमाइज्ड केक और कर रहे हैं एंजॉय. मुंबई से अक्षा अगबानी सिद्दीकी की रिपोर्ट E24.